कारगिल में एक तरफा स्वीक हुआ है, बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। लेह में 13 के 13 सीटें कांग्रेस ने ली है, बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। आपका उड़ी में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई है। और इस तरह से बारामुल्ला जो एक श्रीनगर के बाद बहुत बड़ा काउंसिल है और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त हासिल की है कमेटी फॉर्मेशन के लिए। हाजिन का रिजल्ट आपके सामने है, एकतरफा कांग्रेस पार्टी ने वहाँ कमेटी हासिल की है। सुंबल में हमारी मेजॉरिटी है, बांडीपोरा में क्लियर कट मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई है। गांधरबल में नॉन बीजेपी मेंबर्स ने आपस में तय किया है और वहाँ पर एक सर्कुलर कमेटी फ्रेम हो रही है। सरारी शरीफ में कांग्रेस की फुल फ्लैज कमेटी वहाँ पर वजूद में आई है। बडगाम जो हमारे लिए एक पहला तजुर्बा था, वहाँ पर हमने प्रीवियस चुनावों में कभी अकाउंट भी नहीं खोला है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कमेटी वजूद में आ रही है। चाडूरा में कांग्रेस पार्टी की फुल फ्लैज मेजॉरिटी के साथ वहाँ कमेटी आई है। मागाम में जो भी साथी चुनाव में रहे हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में वाबस्ता नहीं है। मेरा मेंशन करने का मतलब है कम से कम बीजेपी की नहीं है, वो इंडिपेंडेंट्स है, वो एक खुशी की बात है। इसी तरह से डूरू में मेरे अपने इलाके में 16 वार्ड्स पर चुनाव हुआ, 2 बीजेपी ने लिए है, 14 कांग्रेस ने लिए हैं। कुकरनाग में 10 वार्ड्स पर चुनाव हुआ है, 1 वहाँ पर किसी इंडिपेंडेंट ने लिया है, बीजेपी का अकाउंट भी नहीं खुला वहाँ पर, 9 कांग्रेस ने लिए है। अच्छेबल में 5 वार्ड्स में 7 में से 5 वार्ड्स पर चुनाव हुआ है, 3 कांग्रेस ने ली है। अनंतनाग जो आफ्टर श्रीनगर एक बहुत बड़ा काउंसिल है और पॉलिटिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 25 में से 20 वार्ड्स पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज कराई, 2 आज़ाद हैं, 3 कोई बीजेपी के लोग वहां पर जीते हैं। बिजबिहारा में 10 वार्ड्स पर चुनाव हुआ है, 6 कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 4 वहां पर बीजेपी के अनअपोज हुए हैं। मटन में डेफिनेटली 7 वार्ड्स में चुनाव हुआ, वहां 3 बीजेपी ने पहले अनअपोज हासिल किए थे और जो 7 वार्ड्स है उसमें 1 मात्र खाली कांग्रेस को मिला, बाकी 3 बीजेपी को मिले हैं, 2 एक कोई लेडी है हमारी वहाँ पर, वो आज़ाद बन के आई है। तो ये कुल मिलाकर इस चुनाव के सिलसिले से कहाँ पर क्या हुआ वो आपके पास भी है। इसी तरह से मैं चिनाब वैली की बात करूँ, बानहाल का आपने सुना होगा 7 के 7 कांग्रेस ने दर्ज हासिल की है। रामबन में 6 ही वार्ड्स पर चुनाव हुआ, एक कैंडिडेट की डेथ हुई थी। श्रीनगर में कांग्रेस विल इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो अभी तक भी 15 पर भी रिजल्ट तकरीबन वही है। बाकी सामने बीजेपी के अभी तक डिक्लेयर रिजल्ट 2 हमारे सामने बताए जा रहे और बाकी जो इंडिपेंडेंट्स है और वो इंडिपेंडेंट्स एक ही सोच के नहीं, अलग अलग ग्रुप से हैं, प्रॉक्सीज हैं। आगे रिजल्ट्स कंप्लीट होने के बाद में मेरी श्रीनगर में तमाम जीते हुए कैंडिडेट्स से अपील होगी कि जो भी सेकुलर सोच रखते हैं, जो भी इस मिशन के साथ अपने आप को समझते हो कि कम से कम श्रीनगर में कम्युनल बैक कमेटी नहीं बननी चाहिए, मेयर नहीं बनना चाहिए, जो जिस जज्बे को लेकर हम सारे लोग मैदान में उतरे हैं वो आने वाले दिनों में ग्रुपिंग रिग्रुपिंग क्या बनती है। मगर कांग्रेस पार्टी आज ही कह सकती है कि हम किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ जाने के लिए तैयार हैं, किसी भी ग्रुप को साथ लेने के लिए तैयार हैं जो कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए अपने आप को खड़े किए हों।